नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थो और मेरे सहयोगी दर्शन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना चैनल वॉक इन इंडिया में। दोस्तों चलिए आप सबको आज लिए चलते हैं ऐसी एक जगह जहां जाकर मुझे खुद अमिताभ बच्चन जी का सौदागर फिल्म बार बार याद आ रहा था और आंखों के सामने सौदागर फिल्म का काफ़ी दृश्य घूम फिर कर आ रहा था। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तैयार किया जाता है उसी को जानने के लिए हम लोग आज आए हैं। एकदम देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए अभी गुड़ तैयार हो रहा है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम बाबू सूत्रधर है। आप कहाँ से आए हैं? बीरभूम पथरा से, मुक्तिनगर गांव। बीरभूम से? बनाते हैं। हम बनाते हैं। अब कितना दिन आप यहाँ रहेंगे? पाँच महीना तक। दोस्तों वॉक इन इंडिया चैनल का यही लक्ष्य है हमारे हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानियों का जीवन शैली, हमारे सिंप्लिसिटी आपके सामने पेश करना और इसी लक्ष्य को सामने रखकर आज हम चले आए हैं बीरभूम से आए हुए बाबलू सूत्रधर के घर जहां गुड़ बनता है। ये बाबलू जी का घर है, आप लोगों को थोड़ा बाबलू जी का घर भी दिखा देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बाबलू सूत्रधर के घर के भीतर आए हैं, देखिए खाना बन रहा है। यही हमारा देश है, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं। हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन हमारे जो जीवन शैली होता है ये बहुत ही सहज सरल होता है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स परिवार के साथ। आने वाले दिन में हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को देने का कोशिश करेंगे। अच्छे में कैसे करके गुड़ डाला जा रहा, हम लोग क्लोजली दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रकार से छाछे में ढालकर गुड़ बनाया जाता है। दीदी गुड़ उठा रही है, देखिए अब लोगों को दिखा रहे हैं। दी ये गुड़ क्या है? लाल पटाली। ये इसको लाल पटाली बंगाली में बोलता है, जिसको हम लोग नोलेन गुड़ का नाम से जानते हैं। और सॉरी ये लाल पटाली है, जिसको हम लोग पटाली गुड़ के नाम से जानते हैं। और ये है सादा वाला, देखिए इसको नोलेन गुल कहा जाता है। और ये है लाल पटाली। दोस्तों अतिथि देवो भव सुना था, लेकिन आज बाबलू बाबू के परिवार के साथ मिलकर हमने ये महसूस किया तो सचमुच आज भी हम हिंदुस्तानियों के बीच अतिथि देवो भव मंत्र जिंदा है। के लिए बस इतना ही, फिर एक नई एपिसोड एक नई जगह आपके साथ मुलाकात होगा। नमस्कार, जय हिंद।